हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग विकेश बॉक्स ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीकेंड में हम कुछ ना कुछ लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, तो आज भी हम जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक के ऊपर मैंने काफी ट्रेडर से बात भी की है और बहुत बार ये टॉपिक मैंने काफी ट्रेडर्स के साथ एक्सप्लेन किया है, डिटेल में बात की है, और आज ये टॉपिक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपको पता चले और इसके बारे में सोचो और इसको अगर आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर पाओ तो आपकी ट्रेडिंग जरूर बेहतर हो जाएगी। फ्रेंड्स, वन ट्रेडिंग मिस्टेक दैट एवरी ट्रेडर डज, ये हम आज समझने वाले हैं कि हर एक बंदा जो ट्रेडिंग में आता है ये मिस्टेक जरूर करता है और बार बार करता है, करते रहता है। ये ऐसी क्या मिस्टेक है? ये मिस्टेक अगर आपको समझी फ्रेंड्स, ये एक ही मिस्टेक है, ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो और आपकी ट्रेडिंग जरूर प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर आप इस मिस्टेक्स को अवॉइड करो। तो हम ये भी जानेंगे कि इस मिस्टेक को हम अवॉइड कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने बिकैश बॉक्स ट्रेनिंग चैनल उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लर्निंग वीडियोस आपको मिलेंगे। इसमें आपको बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी मिलेंगे और इसमें आपको साइकोलॉजी रिलेटेड स्टफ भी मिलेगा, साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोज भी मिलेंगे, ताकि आपकी ट्रेडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। तो प्लीज इस चैनल को विजिट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, कि एक जो मिस्टेक, ऐसी एक मिस्टेक जो हर ट्रेडर करता है, हर जो ट्रेडर, नया ट्रेडर हो, पुराना ट्रेडर हो, जो मार्केट में आते हैं, डे ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, वो हर ट्रेडर ये मिस्टेक जरूर करता है। और अगर आप भी उनमें से एक ट्रेडर हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए। और ये मिस्टेक हर ट्रेडर बार बार करते रहता है, रोज करता है। तो ये जानेंगे कि ये मिस्टेक है क्या और ये मिस्टेक को हम अवॉइड कैसे करेंगे ताकि हमारी जो ट्रेडिंग करियर है वो सक्सेसफुल हो जाए, हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाए। फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेडर का जो करियर होता है वो प्रॉफिट्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। अगर आपका करियर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप ट्रेडर किस चीज के हो, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हो, लेकिन आपको अगर कंसिस्टेंटली लॉसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, आप सही से काम नहीं कर रहे हो और आपको मार्केट में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपका ट्रेडिंग करियर एक तो खतरे में है या फिर आप गलत रास्ते पे काम कर रहे हो। तो आपको आपका रास्ता भी सुधारना होगा, आपको सही रास्ते पे चलना होगा। तो इसलिए हम ऐसे लर्निंग वीडियोस बनाते रहते हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें काफी सारे लर्निंग वीडियोस आपको भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये एक मिस्टेक क्या होता है। उसके पहले थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एंड तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ भी पार्ट अगर मिस कर जाए आप तो शायद आपको एंड तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स एंड अप इन लॉसेस। आप जब मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपका अल्टीमेट गोल यही होता है, अल्टीमेट एम यही होता है कि आप प्रॉफिट बनाए। लेकिन आप अगर आपकी वीकली या मंथली ट्रेडिंग की जो हिस्ट्री है या आपके जो नोट्स है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स वगैरह, वो उठा के देखे तो आपको एक मोस्टली पार्ट में लॉस हुआ होता है। कुछ दिन आप प्रॉफिट करते हो, उसके बाद आप कंसिस्टेंटली लॉसेस करते हो, उसके बाद आप प्रॉफिट्स बनाते हो, लेकिन आप अगर अल्टीमेट रिजल्ट्स देख रहे हो तो आप लॉसेस में क्यों रहते हो? हम ये जानेंगे कि मोस्ट ट्रेडर्स एंड अप इन लॉसेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग तो मार्केट में पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, वो ट्रेडिंग में आते ही इसलिए कि उन्हें पैसा कमाना होता है, लेकिन उनके रिजल्ट्स लॉसेस में क्यों आते हैं ये समझ में लेते हैं। फ्रेंड्स, जनरली जो ट्रेडर होता है वो ये जानता है और हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, हम जो डे ट्रेडिंग करते हैं, वो सभी लोग ये जानते हैं कि लो पे बाय करना है और हाई पे बेचना है, या अगर उल्टा कर रहे हो, आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो हाई पे सेल करो और लो पे खरीदो, ये सभी लोग जानते हैं। हमारे इंडियन ट्रेडर्स बहुत स्मार्ट है तो सबको ये पता होता है। रिटेल ट्रेडर्स भी सारे स्मार्ट है और उनको काफी चीजें पता होती है और वो जनरली ट्रेडिंग के सिनारियोज और ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। अगर वो जानते भी नहीं है, मार्केट में नए नए आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब से या यहाँ वहां से सीख लेते हैं, लेकिन वो जनरल सिनेरियो मार्केट का ये जानते हैं कि भाई हमें लो पे बाय करना है और हाई पे बेचना है और ऐसे ही करके हमें प्रॉफिट बनाना है। तो फ्रेंड्स, फिर भी वो प्रॉफिट में क्यों नहीं जाते, उसका रीजन हम जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक फैक्ट चीट बताना चाहता हूँ। ये फैक्ट शीट मैंने किसी बुक से ही निकाली है कि 60-70% ऑफ टाइम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो करेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, 60-70% ऑफ टाइम आप करेक्ट होते हो, आपकी एंट्री एकदम करेक्ट होती है।
इसका मतलब आप ध्यान से देखते हो कि कहाँ पे लो बन रहा है और कहाँ पे आपको एक फेवरेबल एंट्री मिलती है, वहां पे आप एंट्री लेते हो, आपकी एंट्री एकदम प्रॉपर होती है। ओके, तो आप ये जान लो एज अ रिटेल ट्रेडर आप सही काम कर रहे हो, आपकी 60 to 70% ऑफ टाइम आपकी एंट्री सही है। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा अपने अभी 15 दिन पहले की ट्रेडिंग आपकी देखिए, 10 दिन 15 दिन पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर ये जानते हो कि आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरी एंट्री यार, आज मेरी एंट्री तो सही थी यार, मैंने बहुत सही एंट्री ली थी, बराबर है ना? आप ये सोचते हो कि नहीं सोचते हो? अगर आप ये सोचते हो ट्रेडिंग खत्म होने के बाद जब आप अपने ट्रेड्स देखते हो तो आपको ये लगता है कि आपकी एंट्री बहुत सही थी, अगर आपको ये लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि मैं जो आपकी मन की बात ही अभी करने वाला हूँ आगे चल के। ओके फ्रेंड्स, तो 60 to 70% ऑफ टाइम्स आपकी एंट्री एकदम से करेक्ट होती है। फिर ऐसा क्या होता है कि आप लॉसेस में ट्रेड निकालते हो? मेनी टाइम्स योर ट्रेड इमिजिएटली स्टार्ट शोइंग प्रॉफिट्स। कई बार ऐसे भी होता है कि आप जैसे ही ट्रेड डालते हो तो आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तुरंत प्रॉफिट दिखाना शुरू करते हैं और एमटीएम में आपको ग्रीन दिखाना शुरू होता है। होता है कि नहीं होता है फ्रेंड्स? अगर होता है, अगर आपकी ये मन की बात मैं कर रहा हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते जाइए और वीडियो में कमेंट भी कीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आज का जो रिटेल ट्रेडर है और आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हो कि आप ये जानते हो कि कभी भी वेव का पीक और बॉटम कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कोई भी वेव होती है स्टॉक का, उसका पीक कभी पकड़ में नहीं आता है और उसका बॉटम भी कभी पकड़ में नहीं आता है। लेकिन कुछ एक ट्रेडर्स होते हैं जो नए नए आते हैं मार्केट में, वो पीक हंटर्स होते हैं, मतलब पीक ढूंढने की कोशिश करते हैं या बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, और उस बॉटम फिशिंग के चक्कर में वो फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश करते हैं, जो कि भाव बहुत तेजी से गिर रहा है और वो बाय करते रहते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको समझना बहुत कठिन होता है, उनकी साइकोलॉजी अलग होती है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ये जानते हैं कि अच्छी एंट्री कहाँ है। गुड एंट्री लेने में काफी ट्रेडर्स माहिर होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस बात को मानते हो तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो आपकी भी एंट्री बहुत सही होगी, हमेशा मैं ये मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी भी एंट्री बहुत सही होती है। फिर भी एंड ऑफ द डे आपको लॉसेस होते हैं, देन व्हाई व्हाई यू आर एंडिंग अप इन लॉस? फ्रेंड्स, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों लॉस में चलते हो। आपकी एंट्री सही होती है, सब कुछ सही होता है। आप ये जानते हो कि अभी मेरे फेवर में ट्रेड है, कई बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में भी चलने लगता है। बहुत बहुत बार ऐसे होता होगा कि इमिडिएटली एंट्री लेने के बाद आपको प्रॉफिट दिखने लगता है, फिर भी आप ओवरऑल लॉस में रहते हो, ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। तो इसके पीछे फ्रेंड्स एक ही मिस्टेक है जो हर ट्रेडर करता है, और ये मिस्टेक मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपने कई बार ये मिस्टेक की है, और जब मैं इस मिस्टेक को डिस्प्ले करूंगा तब आपको समझ में आएगा, हाँ भाई ये मिस्टेक मैं रोज करता हूँ या कभी ना कभी हर एक दिन के बाद ये मिस्टेक मैं करते रहता हूँ और इसीलिए मुझे लॉसेस हो रहे हैं। तो ये मिस्टेक को मैं बताना चाहता हूँ, आफ्टर एवरी सक्सेसफुल एंट्री, जैसे ही आपकी एंट्री हो जाती है, आपकी एंट्री भी सक्सेसफुल होती है, ट्रेडर्स आर नॉट एबल टू टेक एग्जिट प्रॉपरली। मतलब एंट्री आपकी सही होती है, सब कुछ सही होता है, आप ट्रेड मैनेजमेंट सही करते हो, लेकिन आपकी एग्जिट ही नहीं हो पाती। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ फ्रेंड्स? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो प्लीज वीडियो के एंड में कमेंट कीजिए, और प्लीज वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एंट्री तो सबकी सही होती है लेकिन एग्जिट प्रॉपरली नहीं होती, ये एक ही रीजन है। तो ट्रेडर्स, आप लोग अभी मुझे ये जरूर पूछोगे, सर आप ये सब जानते हो तो बताइए ना, एग्जिट कहाँ करनी है, अच्छी एग्जिट कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स, ये मैं जरूर बताऊंगा कि एग्जिट कहाँ करनी है, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका माइंडसेट क्या होता है कि आप एग्जिट क्यों नहीं कर लेते प्रॉपरली। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को समझ पाओ ठीक से तो आप जरूर एक डे ट्रेडर बन सकते हो, अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन आपको अपनी खुद की साइकोलॉजी भी समझनी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि आप प्रॉपरली एग्जिट क्यों नहीं कर पाते। उसके कई सारे रीजंस हैं, उसमें से कुछ कुछ रीजंस मैं आपको अभी बताऊंगा। उसमें एक रीजन है ग्रीड ऑफ मोर प्रॉफिट और फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको ज्यादा ग्रीड होती है प्रॉफिट्स की। आपने एंट्री यहाँ पे सही ली, सही एंट्री ली और आपका प्रॉफिट चल रहा है, और आपको यहाँ पे आने के बाद, स्टॉक यहाँ पे आने के बाद, जैसे आपकी बाइंग यहाँ पे हो गई है ऑलरेडी, और आपको स्टॉक यहाँ पे आने के बाद और ग्रीड होती है और आपको लगता है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, या जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं ले पाते और आपको ये लगता है कि आपका स्टॉक और ऊपर जाएगा। ये ग्रीड,
ग्रीड आप पे हावी हो जाती है क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट्स में रहते हो, तो इसलिए ये एक रीजन है कि आप एग्जिट नहीं ले पाते फ्रेंड। सेकंड रीजन ये है कि होप होप के पीछे आप बहुत बैठते हो, आप ये होप करते रहते हो, ये आशा करते रहते हो मार्केट से कि कभी ना कभी मार्केट मेरे फेवर में आएगा, और उस चक्कर में आप एग्जिट नहीं ले पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंट्री ले ली, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, उसके बाद आपका ट्रेड लॉसेस में चलने लगा, तो आप होप में बैठे रहते हो कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा, और उस चक्कर में आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर बैठते हो। जब आप ट्रेड लॉसेस में होता है तो आप ट्रेड एक तो जल्दी काट लेते हो, या फिर आप ट्रेड काटते नहीं हो बहुत देर और लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक चीज है, और इसको कैसे हैंडल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियो में। तीसरी चीज है ईगो फ्रेंड्स। ये ईगो बहुत डेंजरस चीज है स्टॉक मार्केट में, ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ईगो ये होता है, माइंड में ये होता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ, और ये ईगो हमेशा हार्ड वायर्ड होता है फ्रेंड्स। हार्ड वायर्ड इसका मतलब होता है कि ये बचपन से हमारे मन में होता है, और कहीं ना कहीं जब हम ग्रो होते रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमें ये बताते रहते हैं कि हमेशा सही होना है, गलत कभी होना नहीं है, और इस टीचिंग के वजह से हमारे मन में जो ईगो होता है, या हमारे मन में जो हमेशा एक ख्याल होता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, या मैं गलत होऊंगा तो मुझे दुनिया क्या बोलेगी, ये इस चक्कर में हम ट्रेड्स नहीं छोड़ते, और ये ईगो हमें ले डूबता है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ईगो नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में मैं ये जानता हूँ कि गलत भी हो सकता हूँ और मैं सही भी हो सकता हूँ, तो ये चीजें हमेशा याद रखनी है। और एक रीजन ये है कि मार्केट प्रेडिक्शन, ये मार्केट प्रेडिक्शन के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हुए है। प्रेडिक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेडिक्शन मतलब मार्केट किस कहाँ जाएगा, इसको आप पहले ही प्रेडिक्ट करने लगते हो, पहले ही जानने लगते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा। ये प्रेडिक्शन क्या होता है? मार्केट में कोई प्रेडिक्शन नहीं होता सर, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता मार्केट में। पूरे पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएगा। वो प्रेडिक्शन हमारे मन में होता है कि यार आज मार्केट ना ऊपर जाएगा, आज ना मार्केट बहुत गिरने वाला है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जब आप डे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको डे ट्रेडिंग में कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, आपको डे ट्रेडिंग में सिर्फ प्राइस एक्शन देखनी होती है और आपको प्रोबेबिलिटी देखनी होती है। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम होता है, प्रेडिक्शन पे काम कुछ नहीं होता। और फ्रेंड्स लास्ट फैक्टर है बिलीफ इन लक फैक्टर। मतलब ये हमारा बिलीव होता है हमेशा कि मैं बहुत लकी हूँ और मेरे को हमेशा लक साथ देता है, और कभी ना कभी पिछला ट्रेड हमें याद रहता है कि इस ट्रेड में, पिछले वाले ट्रेड में मुझे लक ने बहुत सहारा दिया, साथ दिया था, तो इस बार भी मेरा लक काम कर जाएगा, और इस चक्कर में फ्रेंड्स आप एग्जिट नहीं कर पाते, प्रॉपरली एग्जिट आपकी होती ही नहीं है, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे जो रीजन्स है, ये रीजन्स आप याद रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और इस रीजन को आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये रीजन्स आप स्टेपल करके अपने डेस्क के सामने लगाइए कि ये रीजंस मैं आज के बाद कभी भी मार्केट में नहीं रखूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कुछ चार्ट एग्जांपल, जिससे कि आपको पता है कि आपकी एंट्री सही हो गई थी लेकिन आप प्रॉफिट में एंड नहीं हुए, उसका रीजन क्या था, और ये वन मिस्टेक जो आप बार बार करते हो रॉन्ग एग्जिट की या टाइम पे एग्जिट ना लेने की, उसका रीजन क्या था, ये चार्ट पे देख लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये 5 मिनट्स का चार्ट है, आपके सामने लगाया हुआ है। निफ्टी बैंक का कैश मार्केट का चार्ट है और यहाँ पे आपको हाई लो और क्लोज यहाँ पे दिख जाएगा। और फ्रेंड्स एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बिग कैश बॉक्स का बैंक निफ्टी लेवल जनरेटर टूल है, इसके काफी सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। बहुत अच्छा टूल है और काफी अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं, और ये 27 जुलाई के लिए लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं, जो कि लेवल्स 27 जुलाई के लिए, और आज डेट है 26 जुलाई, मतलब एक दिन पहले ही ये सारे लेवल्स जनरेट हो चुके हैं, और कल के ट्रेडिंग डे के लिए ये लेवल्स है। जब भी हम बैंक निफ्टी का हाई लो और क्लोज यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये लेवल्स ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाते हैं, और ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये सारे यहाँ पे फॉर्मूलास लिखे हुए हैं, तो ये लेवल्स ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से कैलकुलेट होके हमने बनाए हुए हैं। ये शीट कुछ हमने इस तरह बनाई हुई है, और फ्रेंड्स काफी हेल्पफुल है। तो अगर आपको ये शीट चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, 8830897129, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं, और मैं आपको ये एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि कैसे आपका ट्रेडिंग लॉस में एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल 22 जुलाई में 11:50 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है,
ये वाली, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके प्रॉफिट्स कैसे लॉसेस में एंड होते हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स को ये समझ में आ गया कि क्योंकि ये हैमर टाइप की अच्छी सी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स ने बाय एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस ट्रेडर का यहाँ पे लगा हुआ है, रिटेल ट्रेडर जो काम कर रहे हैं, और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी मिल गया फ्रेंड्स ट्रेडर्स को 1 बजे तक। और ट्रेडर्स ने ये प्रॉफिट बुक नहीं किया 1 बजे तक, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। लगभग लगभग एंट्री इनकी हो रही है 22,870 के आसपास, और 23,000 के पास मार्केट पहुंच गया, तो लगभग इनको 200 पॉइंट का प्रॉफिट इमिजिएटली मिल गया 1 घंटे में। 1 घंटे में बैंक निफ्टी 200 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और ये बुक नहीं किया, इन्होंने ये बुक नहीं किया, यहाँ पे बुकिंग नहीं हुई प्रॉफिट्स की, और अचानक से मार्केट गिर गया और इनका स्टॉप लॉस जो है, जो यहाँ पे लगाया होगा इन्होंने स्टॉप लॉस, जो रिटेल ट्रेडर्स है जो इस कैंडल के नीचे, मतलब यहाँ पे जो इस कैंडल पे एंट्री ली थी, तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा, ये स्टॉप लॉस इस कैंडल ने काट दिया। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट इन्होंने बुकिंग नहीं की प्रॉफिट की, और प्रॉफिट बुक ना करने के कारण यहाँ पे मार्केट ने पीक लगाया, और जो मार्केट गिरने लगा तो मार्केट एकदम जल्दी से नीचे आ गया, और इनको समय ही नहीं मिला प्रॉफिट बुक करने का, तो अच्छा खासा प्रॉफिट ये लूज कर गए। तो फ्रेंड्स, सिमिलर एग्जांपल है, आप देख सकते हो ये 17 तारीख की 12 बजे वाली कैंडल है। यहाँ पे आपको मैं मार्क कर देता हूँ कैंडल को, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल ने अच्छा खासा एक एंट्री दिया और नीचे से लेके, और ट्रेडर्स को ये समझ में आ गया कि क्योंकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ से ले लेके ट्रेडर्स ने एंट्री की इसके ऊपर और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, और काफी अच्छा मार्केट ऊपर गया। यहाँ तक 5-10 मिनट में इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा, 150-200 पॉइंट का, लेकिन इन्होंने ये प्रॉफिट लिया नहीं और इनका स्टॉप लॉस भी काट दिया। देखिए, एकदम से मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, इस चक्कर में होप में बैठे रहे और इनका स्टॉप लॉस कट गया है। तो दोस्तों, ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं लेते या प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है, उसका एक सेकंड क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। तीसरा एक क्लासिक एग्जांपल देखते हैं, 16 जुलाई की 11:55 की कैंडल जो है, जहां पे हमें एक ट्रेड मिला था 11:55 की कैंडल, ये वाली जो है 11:50 11:55 ये वाली, इस कैंडल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड मिला था, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल हैमर टाइप की कैंडल बनी है, और यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड है, बहुत बढ़िया ट्रेड था, और यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेड नीचे चला गया और ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, लगभग 200-250 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में दिखा रहा था, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। देखिए फ्रेंड, जैसे रिवर्सल होने लगा, मार्केट ऊपर चलने लगा, तो होप में कुछ ट्रेडर्स बैठे होंगे कि वापस यहाँ तक आने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ से भी मार्केट नीचे नहीं आया और कैंडल्स ऊपर चलने लगे, प्राइस ऊपर चलने लगी, और इस वाले जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे इस कैंडल के ऊपर, वो 2:15 बजे के कैंडल ने, लगभग 2:15 बजे का कैंडल जो है, उसने ये स्टॉप लॉसेस सारे काट दिए। सो फ्रेंड्स, अनदर क्लासिक एग्जांपल है 15 तारीख की 11:10 वाली कैंडल, जो कि ये कैंडल है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, अच्छी खासी डोजी कैंडल बनी है। यहाँ से बैंक निफ्टी ने ऊपर चलना शुरू किया, सुबह सुबह मॉर्निंग में ऊपर चलना शुरू किया, और यहाँ पे 11:10 बजे कंफर्मेशन आया है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री ले ली, जो कि अच्छी एंट्री है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ट्रेडर्स की एंट्री बहुत अच्छी होती है, तो इस कैंडल के ऊपर ट्रेडर्स ने एंट्री ली, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाया और एक छोटा प्रॉफिट उन्हें दिखने लगा, यहाँ तक वो चले गए, मार्केट यहाँ तक चला गया, और उसके बाद नीचे रिवर्सल आने लगा, और जैसे रिवर्सल आने लगा, होप में बैठे रहे ट्रेडर्स, और इस जो 12 बजे वाली बड़ी कैंडल है, इसने उन सब ट्रेडर्स का स्टॉप लॉसेस काट दिए। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको डे ट्रेडिंग में मिल जाएंगे, और ट्रेडर्स बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज लेते भी है, उनकी काफी अच्छी एंट्री भी होती है ट्रेडर्स की, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाते। वो एग्जिट क्यों नहीं कर पाते फ्रेंड्स, क्योंकि एंट्री होने के बाद उनका माइंड डिफरेंटली काम करने लगता है, और उनके माइंड में बहुत सारे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आने लगते हैं, जिसका वो आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि उनका ट्रेड चल रहा होता है, और जब ट्रेड चल रहा होता है तो उनका माइंड डिफरेंटली सोचने लगता है, और उनके मन में यही सोच हमेशा आती है कि मैं राइट हूँ और मैं हमेशा राइट रहूंगा, और उसके बाद वो ट्रेड को बुक नहीं करते। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने कुछ चार्ट एग्जांपल्स देखे, तो मैंने ये बताया है कि इसके पीछे रीजंस क्या है कि ट्रेडर्स प्रॉफिट क्यों नहीं बुक करते। जब भी ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड लेते हैं, तो ये तीन रूल वो भूल जाते हैं। इन तीन रूल को हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर ये तीन रूल आपको याद नहीं रहते, तो ये तीन रूल को प्लीज लिख के आपके डेस्क के सामने लगाइए, और इन तीन रूल्स को हमेशा याद रखिए। ये तीन रूल जो है वर्ल्ड के सारे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, तो प्लीज याद रखिए, मार्केट्स आर अनसर्टन,
नोबडी इज इन द एंटायर वर्ल्ड कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। ये चीज याद रखिए, लिख के रखिए, कहीं पे भी लिख के रखिए, मार्केट्स आर अनसर्टन, कंप्लीटली अनसर्टनिटी है, किसी को कुछ पता नहीं कि कब क्या होने वाला है, 5 मिनट के बाद क्या ये रेट रहेगा जो अभी चल रहा है, वो किसी को कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी प्रेडिक्शन पे नहीं चलता है। तो आप भी प्रेडिक्ट मत कीजिए मार्केट को, आप प्रोबेबिलिटी पे चलिए। प्रोबेबिलिटी ये सोचिए कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी मेरे साथ है और कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी मेरे खिलाफ है, ये सोच के काम कीजिए। तो मार्केट्स आर अनसर्टन, ये चीज याद रखिए। सेकेंड रूल जो हमेशा ट्रेडर्स भूल जाते हैं और उनको हमेशा याद रखना चाहिए, वो है मार्केट कैन रिवर्स एनी टाइम। किसी भी वक्त या किसी भी मोमेंट को मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। आप अच्छे खासे ट्रेड में हो, आपका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा, एक कंसोलिडेशन जोन के बाद बैंक निफ्टी या निफ्टी या आपका स्टॉक बाहर निकला है और मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया, आपका बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेड, लेकिन मार्केट है, यह मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है और कभी भी नीचे आ सकता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपकी एंट्री यहाँ है और आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे लगा है कंसोलिडेशन लेवल के नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी कट सकता है, ये चीज आप याद रखिए। तो मार्केट्स कैन रिवर्स एनी टाइम। और थर्ड रूल ये है कि मार्केट्स ऑलवेज हैज अ नो मर्सी गेम। मार्केट में हमेशा नो मर्सी गेम चलता है। नो मर्सी मतलब यहाँ पे कोई दया माया नहीं है, यहाँ पे आपका पैसा कब और कैसे निकल जाएगा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और आपका अकाउंट एक दिन में भी एम्प्टी हो सकता है, एक दिन में भी खाली हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल बर्न हो सकता है। तो ये तीन रूल आप हमेशा याद रखिए और इसके बाद आप देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है कंप्लीटली चेंज हो गई है, आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप ये तीन रूल, जब भी आप ट्रेड लो तो ये तीन रूल के पास देखो, याद रखो कि मार्केट्स आर अनसर्टन, कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी मेरा स्टॉप लॉस कट सकता है। सेकेंड रूल ये है कि मार्केट्स कैन रिवर्स एनी टाइम एंड मार्केट्स ऑलवेज हैज नो मर्सी गेम। सो आप दया माया कुछ नहीं है, आपका स्टॉप लॉस कटने वाला है। आप हमेशा जब भी ट्रेड लेते हो तो कुछ ना कुछ भगवान की प्रार्थना करते हो या अल्लाह से दुआ मांगते हो, प्लीज गॉड मेरा ये ट्रेड सक्सेसफुल जाने दीजिए, प्लीज प्लीज, ये सब बोलते रहते हो अपने मन में। सही है कि नहीं सही है फ्रेंड्स? अगर ये सही है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो मार्केट में कोई मर्सी नहीं है फ्रेंड्स, कोई दया माया नहीं है मार्केट में। मार्केट एक श्रूड गेम है, मार्केट बड़े ट्रेडर्स चलाते हैं, हमें बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करना होता है, अगर हम उनके खिलाफ चलेंगे तो वो हमें काट डालेंगे, तो ये नो मर्सी गेम होता है। तो प्लीज इन चीजों को याद रखिए, इन चीजों को नोट डाउन कीजिए और अपने डेस्क के सामने लगाइए, और जब आप इन तीनों को फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आती है कि हाँ, कि जब भी मेरा ट्रेड प्रॉफिट में है तो मुझे प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। और प्रॉफिट बुक कैसे करें, हाउ टू अवॉइड दिस वन मिस्टेक, प्रॉफिट बुकिंग कंसेप्ट क्या है ये हम जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपने कई बार सुने भी होंगे लेकिन आपके लिए एक बार रिपीट कर लेता हूँ। प्रॉफिट कब कब बुक किया जाए, ये चीज आप याद रखिए और ये अपने डिसिप्लिन, ट्रेडिंग डिसिप्लिन में लेके आइए। आपको जब भी ऐसा लगता है कि मेरा ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में गया है, तो आप रेगुलर इंटरवल्स पे प्रॉफिट बुक करिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड लगाइए। मान के चलो कि आपने एक शॉर्ट पोजिशन ली है यहाँ पे और आपका ट्रेड बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक करके आगे चलिए, थोड़ी क्वांटिटी आप बुक करिए, सो दैट आपको जो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जो मिला है वो लॉक हो जाए, वो आपके अकाउंट में आ जाए। इसलिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को जरूर अपनाइए या बुक एट रेगुलर इंटरवल्स, जब भी रेगुलर इंटरवल्स आए तो आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। सेकेंड मेथड ये है, सिंपल मेथड, बुक एट सर्टन परसेंटेज ऑफ टारगेट अचीवमेंट। जब भी एक सर्टन परसेंटेज हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हो कि 0.5% ऑफ स्टॉक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 0.5% ऑफ स्टॉक वैल्यू, अगर आपको 0.5% या 0.3% ऑफ स्टॉक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपीज का स्टॉक है तो इंटू 0.5% इज इक्वल टू 5 रुपए, 5 रुपीज, 5 रुपीज अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये एक टारगेट अचीवमेंट का एक रूल आप अपने ट्रेडिंग में रखिए, और 5 रुपए जैसे ही मिलते हैं, 5 रुपए, 5.5 रुपए, जो भी मिलता है आपको उस प्रॉफिट टारगेट पे आप निकल जाइए। अगर आप ऐसा रूल फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिट बुकिंग कंसेप्ट को समझ रहे हो, ये मैं मान लूंगा फ्रेंड्स। और बेसिकली ऐसे कुछ रूल्स आपको बनाने की जरूरत है जब आप डे ट्रेडिंग करते हो, तो रूल्स के साथ ही आपको ट्रेडिंग करनी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, थर्ड जो प्रॉफिट बुकिंग का कंसेप्ट है वो है बुक एट लेवल्स। जो भी लेवल्स, समझो बैंक निफ्टी लेवल जनरेटर टूल जो हमारा मैंने आपको दिखाया है, वो आप यूज कर रहे हो, तो जैसे ही आपका लेवल आता है, आपने अगर इस लेवल पे एंट्री लिया है और आपका
स्टॉक चल के इस लेवल तक आता है, तो आप इस लेवल पे आने के बाद नेक्स्ट लेवल का वेट मत कीजिए, आप लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सो बुक एट लेवल्स, बुक एट वॉट एवर लेवल्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड, आप उन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कीजिए, तो आपका जरूर ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ते रहेगा धीरे धीरे और कैपिटल आपका ग्रो होते रहेगा। तो बुक एट एवरी लेवल आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट बुकिंग का जो फोर्थ कंसेप्ट है वो है टेक एनी इंडिकेटर सपोर्ट एंड बुक प्रॉफिट। आप कोई भी इंडिकेटर लगाए, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल इंडिकेटर है 20 मूविंग एवरेज, 20 EMA एक इंडिकेटर आप लगा दीजिए, और जितने देर 20 EMA के ऊपर प्राइस रहती है, तो अगर आपकी बाय पोजिशन है तो आप बने रहिए, जैसे ही 20 EMA के नीचे प्राइस जाके रुक जाती है तो आप इसको क्लोज कीजिए। ऐसा कुछ एक रूल बना सकते हो आप, सुपर ट्रेंड ले सकते हो आप, मूविंग एवरेज ले सकते हो, कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, ऑसिलेटर ले लो, और उसके अकॉर्डिंग आप इंडिकेटर का सपोर्ट लेके प्रॉफिट बुक करते रहो। फ्रेंड्स, मैं इंडिकेटर का यूज करके एग्जिट की बात कर रहा हूँ। हमेशा अपनी एग्जिट रेडी रखिए, एग्जिट प्लान हमेशा आपका रेडी होना चाहिए, तो कोई भी इंडिकेटर का यूज करके हो भी आप एग्जिट प्लान रेडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग कॉन्सेप्ट्स को आपको रेडी रखना बहुत जरूरी है, आपका प्रॉफिट या एग्जिट प्लान जो है, एग्जिट प्लान हमेशा रेडी रहना चाहिए, और ये प्रॉफिट बुकिंग कॉन्सेप्ट्स आप फॉलो करेंगे, और ये जो तीन रूल मैंने आपको बताए, ये तीन रूल अगर आप हमेशा ध्यान में रखोगे तो आपकी ट्रेडिंग जरूर बेहतर होती जाएगी फ्रेंड्स, ये मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।